आइए नजर डालते हैं पंजाब की कुछ खास खबरों। पंजाब के बठिंडा में आज पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बठिंडा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मनप्रीत सिंह बादल के हक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार आने से पहले मनप्रीत बादल को वित्त मंत्री बनाने का ऐलान किया। वहीं अपने भाषण में सत्ता में आने के बाद खुद के लिए खजाना मंत्री की कुर्सी मांगते नजर आए मनप्रीत बादल ने कहा कि सत्ता आने पर बठिंडा में बड़े बड़े कारखाने खोले जाएंगे। अगर कैप्टन साहब की अगुवाई में मुझे खजाने की चाबी मिल गई तो बठिंडा के लिए खजाना खोल देंगे। कैप्टन साहब पिछले 10 साल के जाऊंगा कि जे कैप्टन साहब तुसी पंजाब के खजाने की कुंजी जे तुसी मैनू फड़ाती जे पंजाब के खजाने की कुंजी तुसी मैनू फड़ाती मैं ता जेड़ा पंजाब का गल्ला बठिंडे वाले पैर च ला के रख दूंगा छोटे पैर च ला के रख दूंगा क्योंकि जिथे दोस्ती हो गए जिथे यारी हो गए उथे हिसाब नहीं होंगे बठिंडे वाला नहीं रखूंगा मैं पैसे का हिसाब नहीं रखूंगा। वहीं कैप्टन ने मनप्रीत बादल की हां में हां मिलाते हुए सरकार आने पर उन्हें फाइनेंस मंत्री बनाने की बात कही और कहा कि जब इससे पहले 2002 में उनकी सरकार आई थी तब भी बठिंडा का ही फाइनेंस मंत्री था। मनप्रीत जी देख लो कुदरती गल है पिछली बार भी बठिंडे तो फाइनेंस मिनिस्टर से बनाया सी सुरेंद्र जी नु सुरेंद्र सिंगला जी नु उन्होंने तबीयत तो ठीक नहीं है की नहीं वो चोना च कितने ना होते ही जरूर और फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने पंजाब में बढ़िया काम किया और दूजे बढ़िया काम करने वाले आ रहे मंत्री जी ये मैनू कहने ने कि मैनू लैके जाएंगे फलाने को या फलाने को कि मैं इंडस्ट्री लेके आवा तुम आप ही मिनिस्टर हो गए आप ही बड़े अहदे च हो गए आप ही जितने मैनू पाना है जितने मैनू कितने ले जाना है मैं हर वेले हाजिर है। बठिंडा से पवन बंसल की रिपोर्ट सांझ टीवी के लिए। इक्की सीटा 23 मुकाबला तीन त्रिकोणी बाकी तो है ही नहीं पिछली बार किन्ने दें सू आ गई 70 एगती 85-90 दे धूरी में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जस्सी सेखों के हक में चुनाव प्रचार करने के लिए आए आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी संजय सिंह ने जहां जनसभा को संबोधित किया वहीं उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी 100 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। उन्होंने अपने ऊपर लग रहे आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि मेरे पास 15 करोड़ की नहीं 15,000 की प्रॉपर्टी निकाल दे मैं आरोप लगाने वालों के नाम कर दूंगा। संगरूर के धूरी में प्रचार के लिए पहुंचे आप प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि लोगों से पार्टी को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी जुल्मबाज हैं, जो कहते थे हम काला धन लाएंगे और हर आदमी के खाते में
15 लाख रुपए आएगा, पर 15 लाख तो छोड़िए 15 रुपए भी नहीं आए। उन्होंने कहा कि हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और आम आदमी पार्टी 100 से ज्यादा सीटें लेने जा रही है, पंजाब दिल्ली का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है और जिस दिन नतीजे आएंगे बदलाव आपको देखने को मिलेगा। 15 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आप मेरी 15,000 की संपत्ति भी निकलवाएं, अगर संपत्ति निकली तो जो कह रहे हैं मैं उनके नाम कर दूंगा। मेरी 15 करोड़ की नहीं, मेरी 15,000 की प्रॉपर्टी निकाल दें, सब उनके नाम कर दूंगा। धूरी से जसवीर मान की रिपोर्ट, सांझ टीवी के लिए। विधानसभा क्षेत्र होशियारपुर से गठबंधन के प्रत्याशी तीक्ष्ण सूद की ओर से अपने चुनावी मुहिम को और तेज करते हुए शहर के सभी मोहल्लों में लोगों के भारी जनसमूहों को संबोधित किया जा रहा है और उन्हें अपने मत डालने की अपील की जा रही है। इस अवसर पर तीक्ष्ण सूद ने कहा कि लोग गठबंधन सरकार की ओर से पिछले अपने कार्यकाल के दौरान करवाए गए कार्यों से बहुत खुश हैं और वो तीसरी बार गठबंधन सरकार लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बार भारी गठबंधन सरकार ही सत्ता में आएगी और इस अवसर पर उनके साथ विशेष तौर पर उनकी चुनाव मुहिम को बढ़ाने हेतु मेयर शिव सूद भाई दिन रात मतदाताओं से मिल रहे हैं। गरीब लोग राखी अकाली भाजपा सरकार कर रही है और सेंटर दे अंदर मोदी सरकार कर रही है और दूजे पाले दे विच ओ लोग जिहड़े ब्लैक मनी रखने वाले दे सपोर्टर कांग्रेस ने ते केजरीवाल ने मोदी साहब ने जो नोटबंदी का फैसला किया सी उहदा डट के विरोध किया, उह तो साबित होंदा कि ये भ्रष्टाचार के हामी हाँ और ये ब्लैक मनी रखने वाले दे सपोर्टर है या रखने वाले। तो लोग हुण समझ चुके आ कांग्रेस का किरदार की है, इस करके कांग्रेस को गरीब बंदियां वालों बिल्कुल हंगारा नहीं मिलता। असीं जिते भी गरीब बस्तियां जाते हैं उत्थे अकाली दल ते बीजेपी को हंगारा मिलता है और लोग कम किते दी कदर करन लगते हैं। पिछले 2 इलेक्शन च भी बीजेपी अकाली दल नूं द्वारा सत्ता च लिआंदा ताकि लोगों की सेवा करे। होशियारपुर से दलजीत जनिहा की रिपोर्ट। धूरी से अकाली दल के उम्मीदवार हरि सिंह के हक में एससी विंग की ओर से सनातन धर्म सभा में एक मीटिंग की गई, जिसमें एससी विंग की ओर से हरि सिंह को समर्थन देने का फैसला किया गया और एक बार फिर से अकाली भाजपा की सरकार बनाने की बात कही गई। एससी विंग की ओर से अकाली दल के उम्मीदवार हरि सिंह के हक में एक रैली करके हरि सिंह को समर्थन देने का ऐलान किया गया। इस अवसर पर आए लोगों का कहना था कि अकाली दल ने हमें काफी सुविधाएं दी है, आज के महंगाई के युग में हमें कई ऐसी सहूलियतें दी हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने तो कभी हमारे बारे में नहीं सोचा था, इसलिए हमने अकाली दल के उम्मीदवार हरि सिंह को समर्थन देने का फैसला किया है। वहीं हरि सिंह ने कहा कि आज एससी विंग की मीटिंग में काफी गिनती में लोग आए थे, सभी इकाइयों के प्रधान आए थे जिन्होंने हमें समर्थन देते हुए तीसरी बार अकाली दल की सरकार बनाने का फैसला किया है। वहीं उन्होंने कहा कि मुझे काफी अच्छा समर्थन मिल रहा है जिससे मैं काफी खुश हूँ। श्रोमणी अकाली दल ने साडे गरीब वर्ग को दलित वर्ग को बहुत बड़िया सहूलत दित्तियां ने, क्योंकि साडा जिहड़ा समाज सी गरीब समाज सी कांग्रेस दे विच उलझिया पिया सी, जदों साडा समाज पढ़ लग्या तां इहनां नूं पता लग्या कि साडा असली रखवाला कौन है। इस करके श्रोमणी अकाली दल ने अत दी महंगाई दे विच गरीबां दी बांह फड़ी है और अज सारा साडा दलित वर्ग जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल दे नाल चटानवा खड़ा है। अज जो एससी विंग दी मीटिंग लगी सी उहदे विच तां सैकड़ों की गिणती विच साढ़े सारे हल्के चों लोग आए, उन्हां विच सारे एससी विंग दे अहुदेदार प्रधान सारे आए सीगे अते उन्होंने बहुत ही भरमे हुंगारे दे नाल श्रोमणी अकाली दल बीजेपी की तीजी बार सरकार बनाउण की हामी भरी है। धूरी से जसवीर मान की रिपोर्ट, सांझ टीवी के लिए। विधानसभा हलका दीनानगर से कांग्रेस उम्मीदवार अरुणा चौधरी तथा जिला प्रधान अशोक चौधरी की तरफ से सरहिंदी क्षेत्र गांव में चुनाव प्रचार किया गया।
सरहिंदी क्षेत्र भारी संख्या में लोगों ने विधायक अरुणा चौधरी का स्वागत किया। इस अवसर पर सरहिंदी क्षेत्र आली नंगल गांव के मसीह भाईचारे और गांववासियों की तरफ से कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए अशोक चौधरी तथा अरुणा चौधरी ने कहा कि लोगों में पाए जा रहे भारी उत्साह से साबित हो गया है कि लोग हल्के में कांग्रेस को भारी बहुमत से जीत दिलाएंगे और कांग्रेस और कैप्टन की सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि लोग अकाली भाजपा सरकार से दुखी हो चुके हैं और चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत वधिया हंगारा हर पिंड च सानू मिल रहा और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दियां जिहड़ियां पॉलिसियां लैके आए ने लोगों दे वास्ते और खास तौर पर किसानों वास्ते और जो नौजवान ने जरा बेरोजगारी की बहुत वड्डी समस्या पंजाब च है उन्हें हल करने वास्ते जॉब कार्ड जड़े भरे जा रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और लोगों को पूरी आस है और कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उन्होंने समस्यावां का हल होगा। बहुत बढ़िया हुंगारा तुसी देख ही रहे हो जी। पब्लिक ऐसा इस सरकार नूं ते इतनी मतलब दिन की तलाश विच ने भी जिवें नजदीक दिन आवे ते असी इस सरकार नूं पार दे। गुरदासपुर से दीपक कुमार की रिपोर्ट, सांझ टीवी के लिए। पंजाब के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए सांझ टीवी के साथ।